अल्लाह वरहुल्लि वरकू मजसस काबिल सदराम मेहमान मुकर प्रोफेसर मुहमद नसीमुन फ़रीद साहब डीन स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिंग्वस्टिक्स एंड एंडोलॉजी एंड ऑल्सो द डायरेक्टर ऑफ हारून ख़ान शेरवानी सेंटर फॉर दीज़ मानू प्रोफेसर मोहम्मद फ़ीम मख्तर नदवी साहब सदर शुब इस्लामिक स्टडीज़ मानो हाजरीन और नाजरीन आज के इस प्रोग्राम में मैं जी शानसारा आप तमाम का खैर मकदम करती हूँ इस्तबाल करती हूँ इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने के लिए मैं हमारे रफीकार डॉक्टर आतिफ इमरान साहब उस्ताद शोब इस्लामिक स्टडीज़ से गुजारिश करती हूँ कि वो कलाम रब्बानी की आयत ही की तिलावत तर्जुमानी के साथ इस प्रोग्राम का आगाज करें بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسه سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي करम अभी आपके सामने सूर कहफ की आयत नंबर इक्कीस त चौबीस की तिलावत की गई जिसमें अल्लाह तरशाद फरमाता है और यूँ हमने उनको उनकी खबर लोगों तक पहुँचा दी ताकि वो यकीन से जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है नीज़ यह कि क़यामत की घड़ी आने वाली है इसमें कोई शक नहीं फिर वह वक्त भी आया जब लोग उनके बारे में आपस में झगड़ रहे थे चुनाचा कुछ लोगों ने कहा कि उन पर एक इमारत बना दो उनका रब ही उनके मामले को बेहतर जानता है आखिरकार जिन लोगों को उनके मामलों पर गलबा हासिल था उन्होंने कहा कि हम तुमको हम तो उनके ऊपर एक मस्जिद ज़रूर बनाएंगे कुछ लोग कहेंगे कि वो तीन आदमी थे और चौथा उनका कुत्ता था और कुछ कहेंगे कि वो पांच थे और छठा उनका कुत्ता था ये सब अटकल के तीर चलाने की बातें हैं और कुछ कहेंगे कि वो सात थे और आठवां उनका कुत्ता था कह दो कि मेरा रब ही उनकी सही तादाद को जानता है थोड़े से लोगों के सिवा किसी किसी को उनका पूरा इल्म नहीं लिहाजा उनके बारे में सरसरी गुफ्तु से करके आगे बढ़कर कोई बहस ना करो और ना उनके बारे में किसी से पूछो ए पैगम्बर वसल्लम किसी भी काम के बारे में कभी ये ना कहिए कि मैं यह काम कल कर लूँगा बल्कि यूं कहिए कि अल्लाह चाहेगा तो कर लूँगा और जब कभी भूल जाइए तो अपने रब को याद कर लीजिए और कहिए कि मुझे उम्मीद है कि मेरा रब किसी ऐसी बात की तरफ रहनुमाई कर दे जो हिदायत में उससे भी ज्यादा करीब हो अ जजाकुल्लह डॉक्टर आतफ़ इमरान साहब बहुत ही दिलनशी अंदाज में आपने हमारे सामने मजीद की तिलावत की और उसका तर्जमा पेश किया आज का ये तो शोब इस्लामी स्टडीज के बहुत ही अहम प्लेटफॉर्म इस्लामी मुतालात फोरम की जानब से मुनद किया जा रहा है इससे पहले कि हम मेहमान मुकर का खिताब समाज फरमाए मैं ये जरूरी समझती हूँ कि इस्लामी मुताल फोरम का एक मुख्तर सा तारफ आप इस्लामी मुताल फोरम दो हजार पंद्रह में कायम किया गया अगस्त दो हजार पंद्रह में और अगस्त दो हजार इक्कीस तक इसकी कुल एक सौ पचास से ज्यादा नशस्तें मन्कद हुई हैं इसके जरिए हम हमारी कोशिश रहती है कि तलबा में हम जहत तरक्की उनकी हम जहत तरक्की हो उनमें तनक़ीदी मिजाज पैदा हो और उन्हें फ़िक्र ग़ज़ा फराहम की जाए जिसके लिए मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम्स मक़ाबला जाती प्रोग्राम्स और यूनिवर्सिटी के इस व माहरीन और यूनिवर्सिटी के बाहर से भी इस व माहरीन के खूसी खिताब और तोसी खिताब मनद किए जाते हैं हमारी ये कोशिश होती है कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए सिर्फ़ इस्लामिक स्टडीज़ ही नहीं बल्कि इस्लामिक स्टडीज़ के दायरे से आगे बढ़कर दीगर मौजुआत के दीगर सब्जेक्ट्स के मबादियात और उनके इलम मौत के बारे में भी तलबा को वाक़फ़ियत कराई जाए चंद काबिल ज़िक्र मौज़ुआत जिन पर शोबे की जानब से खताबात मनकद हुए हैं वो इस तरह हैं ईसाईत की तारीख अली तलेम तदरीस की मनसूबा अहद सल्तनत और अहद मुगलिया तारीख़ निगारी के हवाले से समाजी ूम में तहक़ीक़ जदीद माशियात एक तारफ़ और हिंदुस्तान का सियासी निज़ाम अदालती निज़ाम वमाशी निज़ाम पर मुख्तलिफ तीन लेक्चर्स मन्कद हुए इन मौजूद के अलावा इस्लामिक स्टडीज़ के भी अहम मौजूद पर इस्लामिक स्टडीज़ के माहन ने खिताब फरमाया है ऑनलाइन मोड जब से हुआ है तब ये हमारे लिए बास मसरत है कि आई एम सी मानू के यूट्यूब चैनल से ये खिताबात मनद किए जा रहे हैं जो रास्त नशर होते हैं और एक रिसोर्स मटीरियल के तौर पर यहाँ पर हमेशा मौजूद रहते हैं इससे फ़ायदा उठाते हुए चंद वेबिनार्स शुबे की जानब से मनद हुए हैं दौर हाजिर में इसशराख का मनहज तहकीक़ ख़वान की अली तलीम का मशरक़ी व मगरबी तनाज़र द अर्ली साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम वग़ैरह जैसे अहम मौजात पर लेक्चर्स हुए हैं और आज का ये तोी खुतब भी इसी की अहम कड़ी है जिसका है दखनी उर्दू में इमी सरमा उर्दू जुबान सिर्फ़ एक ज़ुबान नहीं बल्कि एक पूरी तहजीब और सकाफत की नुमाइंदगी करती है और अपने इब्तदाई मरहले से लेकर के अपने इंतहा पहुँचने तक मुख्तलिफ मराहल में उसने मुख्तलिफ़ मैदानों में अपना इलम सरमाया पैदा किया उर्दू ज़ुबान जब अपने इब्तदाई मरहले में थी तब वो दक्कनी ज़ुबान की हैसियत से मौजूद थी दक्कन में फल फूल रही थी और दक्कन में जो हुकूमतें क़ायम हुई मुस्लिम हुकूमतें उनकी जेर सरपरस्ती उनकी जेर निगरानी मुख्तल मैदानों में उसी ज़ुबान में बहुत सारा काम अंजाम पाया है चाहे वो अदब हो चाहे वो शायरी हो वो साइंस हो वो तस्वुफ़ हो वो मज़हब हो या कोई और चीज़ और उसकी अहमियत ये है कि आज भी उन उस दौर में लिखी जाने वाली किताबों और मौजूद पर तहक़ीक़ हो रही है हम ये जानना चाहते हैं कि इस मौजू की इस ज़ुबान में जो सरमाया उस ज़माने में लिखा गया उर्दू जब अपने इब्तदाई शक्ल में थी तो वो क्या था किस तरह की किताबें लिखी गई कौन कौन से मौजुआत थे जो उठाए गए क्या सिर्फ दखनी ज़ुबान शायरी की ज़ुबान थी या उससे आगे बढ़ कर ये साइंस की भी ज़ुबान रही है इस मौजू पर गुफ्तू करने के लिए हमारे दरमियान मौजूद है प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीद साहब और मैं समझती हूँ कि आपकी शख्सियत से ज़्यादा बेहतर इंतख्या कोई और हो नहीं सकता था आप दकनियात के माहिर हैं दकनी ज़ुबान में जो इलमी काम हुआ है उस पर गहरी नज़र रखते हैं आपकी आपके अंदर तलाश जस्तजू का मादा है दकनियात के बिल्कुल मुनफरद मौजुआत पर आपने तहकीके और बहुत ही इलमी काम आपके सामने आए हैं और दकनी जुबान में जो इल्मी काम हुआ है वो खुद आज एक नायाब चीज़ है उसके ऊपर तहकीक करना और उसके मौजुआत पर मवाद फराहम करना ये खुद अपने आप में एक कमाल है एक शेर यहाँ पर आपकी नज़र करना चाहूँगी इल्म जुए हिकमत में उठे मेरे कदम जस्त जुए इल हिकमत में उठे मेरे कदम अफलाक में जाएंगे सब पे खुल जाएंगे सब पे जोखम आप फिलहाल शोब उर्दू मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के सदर हैं इसके अलावा डीन है स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिंग्विस्टिक्स एंड इंडोलॉजी के और साथ ही हारून खान शेरवानी सेंटर फॉर दकन स्टडीज के भी आप डायरेक्टर हैं आपने 25 से जायद रिसर्च पेपर्स पब्लिश करवाए हैं सात से ज्यादा आपकी किताबें हैं और वीकली कॉलम्स आप लिखते रहे हैं मुख्तलिफ मौजुआ पर नव्वे से ज्यादा आपने कॉलम्स लिखे हैं और कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार्स में आपने आ, अपने पेपर के जरिए कंट्रीब्यूट किया है मैं इस शेयर के साथ आपको दावत सुखन देना चाहूंगी निशाने मंजिले जाना मिले मिले न मिले निशाने मंजिले जाना मिले मिले न मिले मजे की चीज है ये जोख जस्तजो मेरा प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीद साहब मोहतरमकाम प्रोफेसर मोहम्मद फ़हीम अख्तर नदवी साहब सदर शुबे इस्लामिक स्टडीज़ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी डॉक्टर आतिफ़ इमरान साहब उस्ताद शुब उर्दू मोहतरमा ज़ीशान सारा साहेबा इस्टेंट प्रोफ़ेसर इस्लामिक स्टडीज़ और ऑनलाइन जुड़े हुए इस प्रोग्राम से नाजरीन अज़ीज़लबा और रिसर्च इसकालस सबसे पहले मैं शुक्रगुजार गुज़ार हूँ इस्लामी मुतालियात फोरम शोब इस्लामिक स्टडीज मानू का कि उन्होंने मुझे इस मौके पर अपना तोसीय खुतबा पेश करने का मौख़ात फरमाया जो मेरे लिए एक एजाज़ है प्रोफेसर मोहम्मद फ़हम अख्तर नदवी साहब शोब इस्लामिक स्टडीज़ के बहुत ही मुतहरिक और फाल सदर हैं और वो हर लम्हा इस जस्तजु में रहते हैं कि शोबे को किस तरह तरक्की की नई नई मंजिलों से हमकनार कराया जाए इसके लिए वो मुख्तलफ़ निसाबी और निसाबी सरगर्मियों के अलावा जायद निसाबी निसाबी सरगर्मियों का भी इनख़ाद शोबे में अमल में लाते रहते हैं यह आपकी मोहब्बत है कि उन्होंने इस मौके पर मुझे याद किया और एक ऐसा मौजूद गया जिसका बराह रास्त ताल्लु इस्लामिक स्टडीज़ से एक तरह से नहीं है लेकिन एक तरह से है भी जिसकी वजाहत मैं ख़ुतबे में करूँगा प्रोफेसर मोहम्मद फ़हम अख्तर नदवी साहब जैसा कि आप जानते हैं कि एक ख़ास इदारे से ताल्लुक रखते हैं तलीमी अदारे से और ये इदारा हिंदुस्तान के दीगर दीनी इदारों से एक गुना अपनी इनफरादियत रखता है मुख्तलिफ है कि वहाँ पर जहनी फ़िक्री और इलमी कुशादगी का एहसास होता है जबकि दीगर जो इस्लामी इदारे हैं इस्लामी तलीमत के मराकज़ हैं वहाँ पर वो वसअत और वो कशादगी हमको नज़र नहीं आती फ़िक्र और इल्म की सतह पर जो हमको नदवतलमा लखनऊ में नज़र आती है और इसी इदारे के काबिल फ़ख्र सबूत हैं सपूत हैं प्रोफेसर मोहम्मद फ़हीम अख्तर नदवी साहब शायद आ, उस इदारे का फैजान है कि आपकी फ़िक्र के अंदर इतनी वसत और इतनी गहराई और इतनी कुशादगी है कि वो शोबे के मखसूस मौजुआत से हटकर भी दीगर मौजुआत पर डिस्कोर्स के लिए गुफ्तु के लिए दरवाज़े खुले रखते हैं इन चंद कलम के साथ में एक मरत फिर मैं इस्लामी मुतालियात फोरम के अरबाब मुजाज का शुक्रगुजार गुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौख़ इनायत फरमाया अब मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ सदर शुबा की इजाज़त से कि दनीनी उर्दू में इलमी सरमाया तो इस मौजू पर आने से पहले मैं चंद बातें आपके सामने पस मंज़र के तौर पर रखना चाहता हूँ जिनकी रोशनी में आप इस मौजू को अच्छी तरह से समझ सकते हैं सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि दकन से क्या मुराद है और दकन की वजह तस्मिया क्या है जब आप हिंदुस्तान के नक्शे पर गौर करते हैं तो आप देखते हैं कि हिंदुस्तान के वस्त में मशिक से मगरब तक दो पहाड़ी सिलसिले हैं जिन्हें बिंदियाचल और सतपड़ा के पहाड़ी सिलसिलों के नाम से याद किया जाता है ये पहाड़ी सिलसिले एक तरह से जगराफियाई एतबार से हिंदुस्तान को दो खत्ों में तकसीम करते हैं उसका शुमाली हिस्सा शुमाल हिंद कहलाता है और जनूबी हिस्सा जुनूब हिंद कहलाता है औरदीम ज़माने में ये पहाड़ी सिलसिले नाकबिलबूर थे उनको अबूर करना बहुत ही दुशवार था इसलिए शुमाल और जुनूब के दरमियान ज़्यादा रवाबित समाजी सतह पर सकाफती सतह पर या सियासी सतह पर क़ायम नहीं हो सके दक्कन को दक्कन इसलिए कहा जाता है कि दक्षिण संस्कृत जबान में दाएं हाथ को कहते हैं आर्या लोग जब हिंदुस्तान में दाखिल हुए तो उनकी दाएं जानब जो इलाक़ा था उसको उन्होंने दक्षिणपथ या दक्कन का नाम दिया उस मुनासिबत से विंध्याचल और सतपड़ा के जुनूब में जो इलाक़ा है उसको दक्कन के नाम से हम याद करते हैं और दकनी जबान दकनी जबान आ, कोई और ज़बान नहीं है ये उर्दू ही का ख़दीम रूप है उर्दू के ख़दीम रूप को हम दखनी ज़बान कहते हैं आप जानते हैं कि उर्दू ज़बान का आगाज़ दिल्ली और नवाहे दिल्ली के आसपास में हुआ और दिल्ली ऐसा मकाम है शुमाल में जो चार बोलियों के संगम पर वाक़ है वहाँ पर खड़ी बोली भी बोली जाती है और उसके पड़ोस में हरियाणवी भी है राजस्थानी भी है और मारवाड़ी भी है ब्रज भी है तो इन तमाम बोलियों का असर पड़ा खड़ी बोली पर और ये खड़ी बोली सयाल हालत में थी अभी ज़बान का रूप अख्तियार नहीं की थी उस दौर में यही सयाल जबान शिमाल से जुनूब की तरफ दाखिल होती है और इस जबान को जिसे आप चाहें तो ख़दीम उर्दू कह सकते हैं शुमाल से जुनूब की तरफ लाने वालों में सबसे अवलिन और सबसे अहम किरदार रहा है हमारे सूफियाई क्राम का आम तौर पर हम ये समझते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की फतवाहा दखन के नतीजे में ख़दीम उर्दू के ख़दम दकन में पड़े लेकिन फिलवा ऐसा नहीं है अलाउद्दीन खिलजी की फतहात से बहुत पहले ही सूफिया क्राम दरस इंसानियत और दरस मसाव का पैगाम लेकर शुमाल से जनूब की तरफ आए थे और उन्हीं के साथ कदीम उर्दू भी शुमालीन से उर्दू में दक्कन में आई थी और तारीख़ में उन सूफिया क़राम में से चंदूिया क्राम के नाम महफूज़ हैं जो अलाउद्द्न खिलजी की फतहत दकन से पहले दकन में आ चुके थे उनमें हाजी रूमी सैयद शाह मोमिन बाबा सैयद शाह मजहर आलम शाह जलालुद्दीन गंज रवां अहमद कबीर हयात खलंदर बाबा शरफुद्दीन और बा, बाबा शहाबुद्दीन वगैरह के नाम मशहूर हैं ये वो बुज़ुर्ग हैं जो हुक्मरानों और सलातीन से पहले दकन आए और अपने साथ शुमाल हिंद की ज़ुबान लेकर आए जो ख़दीम उर्दू थी अलाउद्दीन खिलजी ने ग्यारह सौ चौरानवे ईस्वी में दक्कन पर पहला हमला किया और जब वो बादशाह बना तो ग्यारह सौ बारह सौ तेरह ईस्वी तक उसने दक्कन का सारा इलाक़ा फतह कर लिया तो अलाउद्दीन खिलजी के लश्कर के साथ ज़ाहिर बात है कि लश्कर हज़ारों की तादाद में होता है तो एक बड़ी तादाद में शुमाली हिंद की खड़ी बोली या सयाल उर्दू बोलने वाले दक्कन में दाखिल हुए और इनके दक्कन में दाखिल होने के नतीजे में दखनी जबान जो सूफिया कराम की वजह से एक महदूद हल्के में असर वनफूस कर रही थी अब बहुत बड़े इलाके में फैलने लगी और अलाउद्दीन खिलजी की फतहत दकन के बाद भी सूफिया कराम की आमद का सिलसिला थमा नहीं वो जारी रहा अलाउद्दीन खिलजी की फतहात दखन के नतीजे में जो सहूलतें सूफिया कराम कोलमा को हासिल हुईं दकन में आने के लिए तो उन मौा से इस्ता करते हुए जो सूफिया दखन आए उनमें पीर मकसूद पीर जमुना शाह मुंतजिबुद्दीन जरजरी बख्श पीर मीठे सैयद यूसु शाह राजू कत्ताल हुसैनी शाह बुरहानुद्दीन गरीब जो हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के मुरीद और खलीफा थे और शेख जियाउद्दीन के असमां मशहूर और मरूफ हैं तो अलाउद्दीन खिलजी की फतवाहा दखन के नतीजे में पहली मरतबा वसी पैमाने पर शुमाली हिंद की ख़ीम उर्दू को दखन में फैलने फूलने का मौक़ा मिला अलाउद्दीन खिलजी ने इंतज़ाम हुकूमत में, में सहूलत की खातिर दक्कन के मफतूा इलाक़ों को मुख्तलिफ ब्लाकस में या हलकों में तकसीम किया था और हर हलके पर एक अमीर को मकर किया था जिसके तहत सौ गांव थे इन अमीरों को अमीराने सद्देह कहा जाता है ने सौ देहातों का अमीर इन अमीराने सद्दाह की वजह से उनका दफ्तरी अमला उनके ख़ानदान के लोग और उनके अजीज व खारिब का भी दकन में आना जाना शुरू हुआ और उनके उनकी वजह से उर्दू ज़बान का उर्दू ज़बान की तरक्की का और इशात का सिलसिला और वसी से वसी तर होता गया ये सिलसिला जारी रहा मुख्तलिफ सलातीन तख्ते दिल्ली पर विराजमान होते रहे उसके बाद दौर आता है सलातीन तगलक़ का सुल्तान मोहम्मद मोहम्मद बिन तगल ने तेरह सौ सत्ताईस ईस्वी में एक तारीख़ साज़ फैसला किया उसने सोचा कि दारुलखिलाफा को दिल्ली के बजाय देवागिरी या दौलत आबाद करना चाहिए जो कि सल्तनत के वस्त में वाक़ हुआ है तो उसने दिल्ली के बाशिंदों को हुक्म दिया कि शहर दिल्ली छोड़ कर दौलत में जाकर आबाद हो जाए तो शाही हुक्म की बिना पर शहर दिल्ली तकरीबन ख़ाली हो गया और पूरा एक शहर और शहर की आबादी दिल्ली से उठ कर दौलत आबाद और दौलत आबाद के गर्दो नवा में आकर बस गई तो ये एक तरह से बहुत आ, लिसानी अतबार से लिसान उर्दू की लिसानी तारीख का इनलाबी वाक़ था कि एक पूरा शहर ख़दीम उर्दू बोलने वालों का एक शुमाली हिंद से उठकर दकन में आता है और यहाँ पर जो है उर्दू ज़बान और फिर अपनी सखाफत लेकर आता है तो ये वो अवामिल थे जिनकी वजह से दकन में ख़दीम उर्दू या दखनी जबान को फलने फूलने और नशो नुमा पाने का मौक़ा मिला तो आपने जान लिया कि दखनी ज़बान क्या है दक्नी जबान वही उर्दू है जो शुाली हिंद में पैदा हुई और दखन में आई लेकिन दकन में आने के बाद उसको एक तरह से शुमाली हिंद की बोलियों से इस्तीफ़ादे का मौका नहीं मिला उसके सियासी और तारीख़ी इसबाब और अवामिल थे और सबसे बड़ा सियासी सबब यह था कि तेरह सौ ईस्वी में यहाँ पर बहमनी सल्तनत का ख़्याम अमल में आया और ये बहमनी सल्तनत शुमाली हिंद के तगलक हुक्मरानों से बगावत के नतीजे में ख़ायम हुई थी और चूँकि ये अपने आप को एक आज़ाद मुनफरद और जुदागाना सल्तनत समझते थे और या सल्तनत का दर्जा देना चाहते थे इसलिए उन्होंने शुमाल से तल्लत मनख़ कर लिए इस तरह जुनूब में आने के बाद दक्कन में आने के बाद उर्दू ज़बान दक्कन की सतह मरतफ़ा में महसूर और महदूद होकर रह गई शुमाली हिंद की दीगर बोलियों से इसका रबता एक तरह से टूट गया अब इसी हिसार में एक ऊपर शुमाली सतपड़ा और बिंदियाचल की पहाड़ियाँ हैं और मगरबी जानब मगरबी घाट की पहाड़ियाँ हैं और मशरक़ी जानब मशरक़ी घाट की पहाड़ियाँ हैं और नीचे बहरीन का समंदर है इन हदूद अरबा में ख़दीम उर्दू ज़बान एक तरह से महदूद और महसूर होकर रह गई और इसी महदूद रकबे में उसने तरक्की और नशो पाना शुरू किया दक्कन में आने के बाद उसका ताल्लुक़ दौलत और मराठवाड़ा की मराठी जबान से हुआ चुनाच हम देखते हैं कि दखनी जबान में मराठी जबान के बहुत सारे अल्फाज शामिल हो गए तो ये दखनी का रूप था दखनी की इब्तदाई शक्ल थी जिसमें खड़ी बोली के अल्फाज भी हैं ब्रज भाषा के अल्फाज भी हैं हरियाणी जबान के अल्फाज भी हैं और राजस्थानी जबान के अल्फाज भी हैं और दखन में आने के बाद उसमें मराठी जबान के अल्फाज भी शामिल हो जाते हैं आ, लेकिन जुनूबी हिंद की जो दीगर बोलियां हैं मकामी बोलियां, जैसे तेलगु कन्नड़ा मलयालम वगैरह इन बोलियों का तहरीरी दक्षिणी ज़बान पर कोई असर नहीं पड़ा लेकिन बोलचाल की दक्षिणी ज़बान पर हर जगह इन मकामी बोलियों का असर हमको नज़र आता है चुनान्च हैदराबाद की जो आज की दखनी है उसमें भी बोलचाल की सतह पर आप देखेंगे कि तेलुगु के बहुत सारे अल्फाज शामिल हैं तो अब ये दखनी जबान थी अब देखते हैं कि दखनी अदब क्या है दनीनी अदब से मुराद वो अदब है जो दनीनी जबान में बहमनी सल्तनत के क़याम के बाद से आशिकजाही सल्तनत के क्याम तक तवील अरसे के दौरान में तख्लीक किया जाता रहा जिसमें सूफिया क्राम माए क्राम शोरा और नसर नगारों ने बहुत अहम हिस्सा लिया इसका आगाज़ तो बहमनी दौर से होता है और अब तक की तहकीक़त के मुताबिक जो अदब का पहला नमूना दखनी जबान में हमको मिलता है एक मसनवी की शक्ल में मिलता है जिसका नाम कदम राव पदम राव है जिसके तल्ल से कहा जाता है कि चौदह सौ इक्कीस दौदा सौ पैंतीस ईस्वी के दरमियान में तख्लीक़ की गई इसके बाद आ, मसनवियों और शायरी की दीगर अशनाफ़ में तब का एक तवील सिलसिला हमको मिलता है और सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तदाद में शेरी तखलीक दी जबान में लिखी गई और फिर साथ ही साथ कुछ अरसा बाद नसर में भी तसानिफ का सिलसिला हमको दकन में शुरू होता हुआ नज़र आता है तो दकन में इब्तदाई दौर में जिन मराक़ ने दखनी जबान और अदब की सरपरस्ती और नश्वन नशो नुमा में अहम हिस्सा लिया उसमें एक तो बीदर है जो बहमनी सल्तनत का पाए था बहमनी सल्तनत के जवाल के बाद पांच सल्तनतें दखन में वजूद में आईं लेकिन उनमें दो सल्तनतें ऐसी थीं जिन्होंने तहजीबी सकाफ़ती सियासी तारीख़ी और लिसानी एतबार से बड़ी अहमियत हासिल की उनमें एक है बीजापुर की आदिलशाही सल्तनत और दूसरे है गोलकुंडे की खुतबशाही सल्तनत तो दखनी अदब से मुराद वो अदब है जो बीदर बीजापुर और गोलकुंडे के मराक़ में तख्लीक किया जाता रहा और जब औरंगज़ेब ने सोलह ईस्वी में बीजापुर और सोलह ईस्वी में गोलकुंडे को फतह कर लिया तो फिर यहाँ की तहजीबी बिसात उलट गई और एक इंतशार फैल गया यहाँ पर दक्षनी जबान और अदब की सरपरस्ती एक तरह से ख़त्म हो गई लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे क़ायम हो गए जहाँ जो दक्नी जबान और अदब के लिए छोटे छोटे जजीरों की तरह मुमिद और माविन हुए इन जजीरों में दक्षनी जबान और अदब का नशो जारी रहा तो इन छोटे छोटे मराकज़ में कड़पा करनूल सिद्धोट अरकाट वेलूर औरंगाबाद और मैसूर जैसे मकाम शामिल हैं जहाँ के मकामी जागीरदार नवाब और छोटे छोटे हुक्मरानों ने दक्षनी जबान और अदब की हौसला अफजाई की सरपरस्ती की शायरों की और दखनी अदब को फ़रोग देने में अहम हिस्सा लिया तो इस तरह दखनी अदब में वो अदब भी शामिल है जो बहमनी आदिलशाही और खुतुब शाही सल्तनतों के जवाल के बाद इन मराक़ज़ में तख्लीक दिया जाता रहा जिनका जिक्र मैंने अभी आपके सामने किया है अब जब हम पूरे दखनी अदब का मताल करते हैं उसके मौजूद को देखते हैं तो अंदाज़ा होता है कि इसमें दो किस्म के मौजूद हमको नज़र आते हैं एक बड़ा हिस्सा इस्लामी मौजूद का है जिनका तल्ल इस्लामियात से है और दूसरा हिस्सा दीगर ओमूम से है तो मैं इन दोनों मौजुआत पर मुख्तसरा रोशनी डालूँगा इसलिए कि तफसीली मतल की गुंजाइश नहीं है तो इस्लामी मौजुआत में सबसे पहले सूफियाना मौजुआत को हम लेते हैं इसलिए कि दक्षनी ज़बान के फरोग में और दखनी अदब की तख्लीक़ के आगाज़ में सूफिया क़राम को अवलियत हासिल है तो ये सूफिया क्राम अपने मुरीदों तालों और आमतनास की असलाह के लिए उनकी तालिम और तरबियत के लिए इरशाद तलख़ीन के लिए दखनी जबान का इस्तेमाल करते थे तकरी सतह पर भी और तसनीफ़ी सतह पर भी तो इन उन्होंने सूफीना मसनवियाँ लिखी हैं जिनकी तादाद सैकड़ों में है मैं सिर्फ चंद मसनवियों के नाम बताऊँगा इनमें जो अहम बुज़ुर्ग हैं वो मीरा जी शमसुलश्शाक हैं जो दो वास्तव से हजरत ख्वाजा बंद नवाज के मुरीद हैं ये मुरीद थे ख्वाजा कमालुद्दीन बेबानी के और वो मुरीद थे शाह जमालुद्दीन मगरबी के और वो मुरीद थे हजरत ख्वाजा बंदरास गेसुदरास के इस तरह दो वास्तों से ये हजरत गेसुदरास के मुरीद हैं इन्होंने दखनी जबान में तस्वुफ़ के मौजू पर कई मसनवियाँ लिखी हैं जिनमें खुशनामा खुश खुशनव्स शहादत व तहकीक और वसीयत नूर शामिल हैं इन मसनवियों में आप देखेंगे कि सवाल और जवाब का पैराया इस्तेमाल किया गया है आ, उन्होंने एक लड़की का किरदार पेश किया है इसके अंदर खुश एक लड़की है कमसिन है इनकी मुरीद है इनकी शागिरदा है जो उनको बहुत अजीज है इनकी रिश्तेदार भी है खरीबी तो वो सवालत करती है तसव्वुफ के मुख्तलिफ मसाइल पर और मीरा जी उसका जवाब देते हैं तो आप देखेंगे कि रोज़ अव्वल से जो आमतौर पर कहा जाता है कि उर्दू में ख़वातीन की तालीम का पर जोर नहीं दिया गया तो दखनी में आप देखेंगे कि जो अवलिन सूफिया कराम है उनकी तसानीफ में खातिन का जिक्र मिलता है ख़ौन के हवाले से खातिन के तस्व तवसत से सूफियाना तलीमत को पेश किया गया आवाम के सामने तो ये रसायल सवाल और जवाब के पराए में लिखे गए हैं और सवाल और जवाब का ये पाराया मीरा जी शमसुलशाख ने जिसकी बुनियाद रखी आगे बहुत आगे तक चलता है बहुत सारी तसानीफ तसवफ़ की इसी पैराए में इसी स्लूब में लिखी गई बात के ज़माने में कि शागिर्द या मुरीद सवाल करता है और मुर्शिद या उस्ताद उसके जवाब देते हैं इस तरह मसाइल की तफहीम में सहूलत होती है ये तालीमी नुक़ नज़र से भी बहुत अहम उसलूब है कि सवाल किया जाए फिर उसका जवाब दिया जाए तो मसाइल की तफहीम में सहूलत होती है उसके बाद हमको एक नाम और मिलता है बुरहानद्दीन जानम का इनकी कई मतलबियाँ हैं जिसमें इर्शाद सबसे अहम है यह भी तसूफ़ के मौजू पर ढाई हज़ार अशार पर मुश्तमिल है और नौ सौ हिजरी में ये लिखी गई है इसमें भी उन्होंने तस्व के मसाइल पेश किए हैं अंदाज वही है कि मुरीद सवाल करता है और मुर्शिद जवाब देते हैं और दिन जानम का एक कारनामा ये भी है कि उन्होंने शायरी के अलावा दकनी में नसर का पहला रिसाला लिखा जिसका नाम कलेमतुल्लाका है इस रिसाले का मौजूदी तस्व के मसाइल हैं इंसान क्या है इंसान का वजूद क्या है अल्लाह ताला की ज़ात क्या है सिफ़ात क्या है वगैरह वगैरह जिन पर सूफिया कराम गौर करते आए हैं वही मसाइल इस रिसाले में पेश किए गए हैं क़लेमतुल कलेमतुलक़ में आ, उसके बाद एक और नाम हमारे सामने आता है हज़रत सैद शाह अमीनुद्दीन अली आला इनका रिसाल है कलेमतुलसरार ये भी तसव्वुफ के मौजू पर है और इन्होंने हसा हकायक का जब आप मताल करते हैं तो देखेंगे कि दक्षणी नसर उखड़ी उखड़ी से नज़र आती है नाहमवार है जुमले नामुकमल हैं उर्दू ज़बान में दक्षणी जबान में ख़दीम उर्दू ज़बान में इतनी गुंजाइश नहीं है इतनी तोानाई नहीं है कि पूरा पूरा जुमला ढाल सके तो हम देखते हैं कि आधा जुमला फारसी में है आधा जुमला दक्षनी जबान में है दखनी लिखते लिखते फ़ारसी के कई फकररे वो लिख जाते हैं एक पैराग्राफ दखनी में है तो दूसरा पैराग्राफ फ़ारसी में है यानी ऐसा मालूम होता है कि ज़बान अभी चल नहीं पा रही घुटनों के बल रेंग रही है उसमें आला मौजूद आला मसाइल को पेश करने की गुंजाइश अभी पैदा नहीं हुई है लेकिन कलमतुलसरार का जब हम हताल करते हैं तो देखते हैं कि बहुत ही रवा और बहुत ही सलीस इबारत हमको यहाँ पर मिलती है दरमियान में कोई फारसी फकरे नहीं मिलते हैं कोई फारसी जुमले हमको नज़र नहीं आते हैं और उन्होंने तमसीलों से अपनी बात की वजाहत की है मसला वो वजूद के मसले को लेते हैं और समझाते हैं कि वहदुलजूद को कैसे समझें तो एक मिसाल से समझाते हैं कि एक मरतबा एक झील में जो मछलियाँ थीं उनको शिकायत थी कि पानी पानी कहते हैं हमने आज तक देखा ही नहीं कि पानी किसे कहते हैं तो आपस में उन्होंने बहुत गौर किया कि लोग कहते हैं कि पानी हमारी ज़िंदगी है पानी हमारा ठिकाना है पानी से हमारा वजूद है हम तो पानी को जानते नहीं पानी को देखा ही नहीं तो सब ने ये मिलकर तय किया कि जो बड़ी मछली है झील की उससे जाकर हम पूछते हैं कि पानी कहाँ है पानी किसे कहते हैं तो बड़ी मछली के पास गई तो बड़ी मछली उनको बातों में लेकर लगाकर कर साहिल तक लेकर आती है फिर ऐसा झकोला देती है कि वो सारी मछलियाँ पानी से निकल कर साहल पर गिर जाती हैं और तड़पने लगती हैं और कहती हैं कि हमको बचाओ हमारी जान खतरे में है तो बड़ी मछली फिर एक झकोला देती है तो पूरा पानी पानी की मौज साहल पर जाती है और सारी मछलियाँ पानी में वापस आती हैं तब वो कहती है कि तुमने जान लिया कि पानी किसे कहते हैं यही पानी है तो इस तरह उन्होंने वजूद के दखीक मसले को आसान मिसाल के जरिए से समझाने की कोशिश की है उसके बाद इसी सिलसिले में गोलकुंडे के एक सूफी है मीराजी खुदानुमा कारवान में जिनका मज़ार है इन्होंने तसवफ़ के मौजू पर एक दो तीन किताबें लिखी हैं एक किताब नहायत अहम है यह है अब्दुल अबुल फज़ाइल अब्दुल्ला बिन मोहम्मद एनुल खुजात हमदानी की तसनीफ़ खुजात का तर्जुमा एनुल खुजात एक मतनाज़ फ़ी किताब रही है तसवुफ़ की सूफ़िया के हल्क़ों में बहुत मकबूल रही लेकिन ने इसकी मुखालफत की एनुल खुजात अबू मोहम्मद इमाम गजाली के छोटे भाई अहमद गजाली के शागिर थे इन्होंने ये तमहीदात के नाम से किताब लिखी जो फ के दखीख और पेचीदा मसाइल पर मबनी है ओलमा ने मुखालिफत की तो सुल्तान संजर के वजीर खवामुद्दीन ने इनको फांसी की सजा दे दी थी लेकिन सूफिया के हल्कों में ये किताब मकबूल रही तो इसकी शराह ख्वाजा बंदनवाज गेसुदराज ने लिखी थी उसका तर्जुमा मीरा जी खुदा ने किया इसी तरह मीरा जी खुदा के एक मुरीद थे मीरा याकूब इन्होंने दखनी जबान में अच्छा यहाँ से तर्जुमे का आगाज़ भी होता है दखनी नसर का आगाज़ ही है और इसी दौर में तर्जुमे का सिलसिला भी शुरू हो गया ये भी अहमियत की बात है इसको याद रखना चाहिए इल्मी तराजिम के सिलसिले में मीरा याकूब ने शिमायलुल शिमाइलिया नामी एक किताब का तर्जुमा किया शिमायतिया हजरत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के खलीफा हजरत निज़ामुद्दीन गरीब हज़रत बुरहानुद्दीन गरीब के मुरीद रुकनद्दीन इमाद काशानी की तसनीफ इसी नाम की तस्नीफ है शिमायलखिया उसका तर्जुमा है इसमें उन्होंने तसवफ़ और अखलाक के मौजूद बयान किए और इसके अलावा जो सबक में अलिया कराम गुजरे हैं उसका तस्करा भी इस किताब में शामिल है तो यह भी तर्जुमा है जो मीरा याकूब ने किया है दखनी जबान में इसी तरह तस्वफ़ के हवाले से हम देखते हैं कि आबिद शाह जो कुतुब खानदान के आखिरी बादशाह अबुल हसन तानशाह के मुर्शिद थे सैयद शाह राजू हुसैनी उनके मुरीद थे आबिद शाह उन्होंने सालिकिन के नाम से तसऊफ़ पर मबनी एक रिसाला लिखा है जो नसर में है तो ये तसऊफ़ की बातें हो गई अब देखिए फिख़ की तरफ हम आते हैं तो फिख़ के मौजू पर भी दखनी में हम पर हमें बहुत सारा मवाद मिलता है जो नसर में भी है और मंजूम भी है ये औरंगज़ेब के अहद के एक दकनी शायर हैं ज़यफ़ी उन्होंने हिदायत हिंदी के नाम से फिकही मसाइल पर मबनी एक तवील मसनवी लिखी है इसके अलावा दखनी में चार कुर्सी के नाम से मंजुम और नसरी रसाले मिलते हैं उनकी पूरी रवायत हुआ कि एक तरह की सिंफ थी चार कुर्सी और चार कुर्सी का नाम इसलिए दिया गया था कि इस रसाले के आगाज़ में पैगमर इस्लाम अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उसके बाद आपके वालिद बुजुर्गवार फिर उसके बाद आपके दादा उसके बाद फिर आपके परदादा गोया के चार नस्लों के नाम इसके अंदर लिए जाते थे आकाश में चार कुर्सी कुर्सियाँ ने नस्ल तो चार नस्लों के नाम आते थे इसके अंदर चार पुशतों का जिक्र होता था उस मुनासिबत से इसको चार कुर्सी का नाम दिया गया लेकिन असल में इसमें होते थे फ़ही मसायल रोज़मर्रा जिंदगी में एक मुसलमान को जिन मसायल से सबका पड़ता है वजू के मसाइल, नमाज के मसाइल, रोज़े के मसाइल वग़ैरह वग़ैरह आम रोज़मर ज़िंदगी के जो फही मसाइल हैं वो सा, उन सारे मसाइल को इसके अंदर बयान किया गया है तो इस इसमान से कई रसायल हमको मिलते हैं फ़िकही रसाइल। उसके अलावा एक और रिवायत थी दक्षिणी जबान में के, आ, किसी मुल्क का एक शहजादा है या बादशाह है वो परेशानियाँ उस पर आती हैं तो वो अपना मुल्क छोड़ कर दूसरे मुल्क की तरफ जाता है वहाँ पर एक मलिका है और उस मलिका ने एक चैलेंज एक क्या है तहदी के तौर पर किया है कि जो शख्स मेरे सौ सवालों के जवाब देगा मैं उससे ब्याह करूँगी शादी करूँगी तो ये शहजादा या बादशाह उस चैलेंज को कबूल करता है और उसके सौ सवालों के जवाब देता है जो बहुत ही मुश्किल और फिर इस तरह से उसकी शादी होती है उस मुल्क की शहजादी के साथ तो ये शहजादे और शहज़ादी का वाकत तो एक खूंटी की तरह है जिस पर इस खस्से को टाँग दिया गया है असल मौजू फ मसाइल हैं वो जो सौ सवाल होते थे वो फ़ही सवाल होते थे जिसके जवाब ये शहजादे को या बादशाह को देने होते थे तो इस खे के हवाले से कई मसनवियाँ लिखी गई हैं जिसमें ख़िस्सा है मलिका मिस्र आज इसकी मसनवी है ख़िस् मलिका रूम व फ़ीर अलीम नामी एक शायर की तसनीफ़ है मसनवी गुलदस्ता सनती नामी शायर की तस्नी है तो इस दास्तान के प्लाट पर इसके तवसु से भी फ़ही मसाइल पेश किए गए हैं इसके अलावा मौलवी मोहम्मद गौस मुल्क ने कैदानी का दखनी ज़बान में तर्जुमा किया है फ़ि की किताब कैदानी उसका तर्जुमा किया है अच्छा फ़ि के बाद खससम्बिया भी एक मौजूद है इस्लामी में गौसी नामी एक शायर ने दस हज़ार अशार पर मबनी एक मसनवी लिखी है जिसमें अम्बिया कराम के वाकत उसने बयान किए फिर आ, सिरतु सरतुलनबी के हवाले से हम देखते हैं कि बुलाखी नामी शायर ने मेराज राजा लिखा मुख्तार नामी शायर ने मेराज राजा लिखा शाह मौज़म नामी शायर ने मेराज राजा लिखा अबुल हसन खुरबी ने मेराज राजा लिखा तो मेराज एक अहम मौजू रहा इस्लामी अदबियत का दखनी में इस, इसके साथ ही साथ विलादतनामा वफातनामा भी लिखे गए इन खास मौजुआ पर और एजाज अहमदी के नाम से नवाजिश अली खा शाहदा ने पूरी सीरतुलनबी लिखी है मंजूम और इसी से इस्ता करते हुए हफीज जालिंदरी ने शाहनामा इस्लाम लिखा है अच्छा इसके अलावा बुजुर्गान दिन की सीरत पर भी जो है किताबें हमको दखनी में मिलती हैं खासतौर तो पर हजरत शेख अब्दुल्खादिर जिलानी रहमत की सीरत पर कई किताबें दखनी जबान में लिखी गई हैं अब हम तफसीर की तरफ आते हैं तो आमतौर पर हम समझते हैं कि हज़रत शाह अब्दुल अब्दुल्दिर और उनके भाई शाह अब्दुलर रफ, शाह रफीन के जो तराजिम हैं वो उर्दू में कुरान मजीद के पहले तराजिम हैं लेकिन दक्षणी जबान में उनसे बहुत पहले कुरान मजीद के तराजिम का सिलसिला शुरू हो चुका था यहाँ पर पार अम सुर रहमान सर यासिन इन सूरतों पर बहुत ज़्यादा तोज्जो की गई इसके कई तराजिम हमको दक्षिणी जबान में मिलते हैं और तफासिर भी मिलती हैं मौलवी अब्दुल्ह ने बाा उर्दू मौलवी अब्दुल्ह ने आ, रिसाला उर्दू जनवरी उन्नीस सौ सैंतीस ईस्वी में एक बहुत तवील में खाला लिखा था पुरानी उर्दू में ख़ुर शरीफ के तर्जुमे और तफसरें इसमें उन्होंने कई तफसरों का जिक्र किया है जो दखनी जबान में लिखी गई हैं इनमें सबसे पहली तफसर जो है दसवीं सदी हिजरी के अवायल का तर्जुम पाराम है आखिरी पारे का तर्जु दक्षनी ज़बान में किया गया है तो जो दसवीं सदी हिजरी के अवाइल में तकरीबन 200 साल पहले किया गया इसकेला चिरा के नाम से अजीज हमरंग और, ने भी किया है। और के नाम से सैयद पायादीन थे उन्होंने मुकम्मल तफसीर लिखी है मस्जिद की जो चार जल्दों में है जिसके मखतूत कुतुब खान आसफिया और कुतुबान सालारंग में मौजूद है तफसर तंजील और आ, खुराने मजीद के ओम से जुड़ा हुआ एक और इम है तजवीद व खिरत फन तजवीद के फ़वाद मखारिज वगैरह पर कई रिसाले दक्षनी जबान में लिखे गए हैं जिनमें शरह जीनतुल्करी नामालमसनफ का रिसाला है जो दक्षिणी नसर में है जिसका मखतूत सालार जंग में है फ़राद दर फ़वाद यह भी फ़न तजवीद से मुतलक रिसा है बािर आगा मद्रासी बहुत मशहूर शायर आलिम सूफ़ी बुजुर्ग गुजरे हैं उन्होंने लिखा है इसका भी मखत सालार जंग म्यूजियम में मौजूद है रिसाल तजवीद अबुल हसन सानी वेलूरी ने लिखा है तजवीद के फन पर नज्म मखारिज मुहुलद्दीन खादरी वेलूरी ने लिखी है सालार जंग में मकतुता मौजूद है ये मंजूम है मुफीदुलखा खारी खादिर खान ने लिखा है दक्षणी नसर में सालार जंग में इसका मकतूा मौजूद है अब आइए हदीस की तरफ हदीस पर भी बहुत सारी किताबें दक्षणी जबान मिलती हैं खास तौर तो पर चहल हदीस के उनवान से बहुत सारे रिसाले लिखे गए हैं दो तीन का नाम मैं लूंगा रिसाल चहल हदीस मंजूम जो दखनी जबान में है शायर नाम आलुम है चालीस हदीस का तर्जुमा है जिसका मखतूता सालार जंग में है फिर इसी तरह का एक और रिसाला है तर्जुमा चहल हदीस दक्षनी नसर में है मुसन्फ़ नाम आलुम सालारंग म्यूजियम में इसका मखतूत है तर्जुम जवाजिर इबन हजर हसीमी की तसनीफ़ का तर्जुमा है दक्षणी नसर में है और इसके मुसनफ मुतरजम शेख आदम अरकाटी हैं वालाजा के दरबार से इनका ताल्लुक था ख़यामत नामा के नाम से ख़यामत से मुतक जो हादिस मिलती हैं उन हादिस का तर्जुमा दनी नसर में किया गया है इसी तरह इबलिस नामा के नाम से इब्लिस के बारे में जो हादिस मिलती हैं उनका तर्जुमा किया गया है दखनी जबान में अब इसी तरह अब हम देखते हैं कि तारीख और सवाने पर भी दक्षनी जबान में बहुत सारी मसनवियाँ और किताबें लिखी गई हैं जैसे हसन शौकी ने फतेहनामा निज़ाम शाह के नाम से एक मसनवी लिखी इस मसनवी में उसने दकन के जो सलातीन थे गोलकुंडे के खुतुब शाही बीजापुर के आदिलशाही सलातन और अहमदनगर के निज़ाम शाही सलात और बीदर के बरी शाही सलातन ये चारों सलातीन और दक्कन में ही एक और स्टेट थी विजयनगर उस विजयनगर के राजा के दरमियान में एक बहुत ही फैसला कन जंग भी थी उस जंग का हाल बयान किया है और उसमें ऐसे वाक़त उसने पेश किए हैं जो आम तारीखों में नहीं मिलते हैं तो एक अहम तारीख़ी माखज़ है ये हसन शोकी की मसनवी फ़तेहनामा निज़ाम शाह इसी तरह तारीख़ के हवाले से हम देखते हैं कि इजराब सुल्तानी ये फतेहनामा टीपू सुल्तान है टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के दरमियान में जो जंग हुई थी उसके वाकत इस मसनवी में पेश किए गए हैं इसी तरह आदिल शाही दौर के एक बड़े शायर नुसरती ने अली नामा के नाम से एक मसनवी लिखी है जिसमें अली आदिल शाह सानी और मुगल फौजों और मराठों के दरमियान में जो जंगें हुई दस साल तक ये जंगें होती होती रहीं इन दस साल जंगों की वारदात उसने इस मसनवी में बयान की है और इस ये मतनु भी ऐसे वाक़ात पेश करती है जिनका आम तवारीख में जिक्र हमको नहीं मिलता है अब हम आते हैं तिब यूनानी की तरफ तिब यूनानी उस जमाने में मेडिकल साइंस तो थी नहीं यूनानी ही थे यूनानी तिबी थे थी तो इस मौजू पर भी कई रसायल मिलते हैं मैं सिर्फ चंद के नाम लू तर्जुमा शिहाबी मंजुम तर्जुमा है तिब की किताब है जिस पर अद्वियात अमराज और अद्वियात का इसके अंदर जिक्र किया गया है और ये किताब मंजूम है क्योंकि अतिबा के लिए लिखी गई है और नसर के मुकाबले में नज्म याद रखना रखने में सहूलत होती है इसलिए इस किताब को मंजूम लिखा गया है मुजर्रबात तिब के नाम से दखनी नसर में एक रिसाला मिलता है मुसनफ़ नाम आलूम है लेकिन इसका मखतूत कुतुब खान आसाफिया में महफूज है खान नियमत के नाम से किसी नाम आलूम शायर ने एक मसनवी लिखी है इसमें उसने बताया है कि ग़ज़ाओं के ज़रिए इलाज कैसे किया जा सकता है तो आज जो तस्वूर दिया जाता है कि ग़ज़ाओं के दवाओं से गुरेज करना चाहिए जाओं से जो है इलाज करने में जो है ज़्यादा फ़वाद हैं तो उस ज़माने में यह तस्वूर था कि ग़ाओं के ज़रिए से इलाज होना चाहिए शिफाउल अमराज़ के नाम से एक तिबका रिसाला मिलता है इसका मुसनफ़ भी नाम मालूम है लेकिन कुतुबान आसफ़िया में इसका मख्ता मौजूद है अब यह इंसानी अमराज के अलावा जानवरों के भी अमराज होते हैं तो सलोतरी उसको कहते हैं जो जानवरों का इलाज किया जाता है फने सलोतरी या सलोतरी तो इस मौजू पर भी दखनी जबान में दिसाले हमको मिलते हैं तर्जुम वाघ भट्ट वाघ भट्ट एक हकीम वैद था उसने संस्कृत ज़बान में किताब लिखी थी उसका तर्जुमा दखनी के एक शायर ने किया है और यह घोड़ों के इलाज से मुतल है उस जमाने में घोड़ों की बड़ी अहमियत थी इसलिए कि फौज होती थी फ़ौज में घोड़ों की बड़ी अहमियत थी जंगों में मारे का में तो घोड़ों पर बहुत ज़्यादा तोजह दी जाती थी और घोड़ों के इलाज पर बहुत सारी किताबें दक्षिणी जबान में लिखी गई हैं ऐसी एक किताब है खैल नामा हाशमी जिसमें घोड़ों की अकसाम और घोड़ों को पहचानना घोड़ों के रंग और उस रंग की क्या खुशियात होती हैं और घोड़ों के अमराज और उनके इलाज की तफसलत हैं और इसी मौजू पर खिंग नामा खिंग नवाज नामा नसर में एक किताब मिलती है जिसमें शाहसवारी के तालीम दी गई है कि शह सवार बनना हो तो किन किन फवायद की पाबंदी करना चाहिए इसी तरह फरसनामा के नाम से दखनी नसर में एक रिसाला मिलता है जिसमें घोड़ों के अमराज का जिक्र किया गया है अब तलब इमों के लिए भी इसमें बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं जैसे लगात लिखी गई हैं मंजूम लगात हैं राजीख बारी के नाम से सैयद मोहम्मद वाले मूसवी ने किताब लिखी है फारसी अल्फाज का तर्जुमा या फारसी अलफाज के माने दक्षनी जबान में इसमें बताए गए हैं इसी तरह रिसाला दर लगत अरुस खान यगमा ये मंजूम लगात हैं खान यगमा एक सूफी बुजुर्ग शाह ताहिर हमवी कर्नूली ने लिखा है जो मंजूम लगत फ़ारसी अल्फाज के दखनी जबान में माना बताए गए हैं इसी तरह मुफीद सब के नाम से भी किताब मिलती है अच्छा फौज से मुतल फ़तहुल मुजाहिदीन के नाम से एक किताब मैसूर में लिखी गई हो हसन अली इज़्ज़त इसके मुनफ़ हैं इसमें फ़ौज के परेड और फ़वाद वग़ैरह की तफसीत पूरी दक्षिणी जबान में लिखी गई हैं और फ़ौज के लिए तराने भी इसके अंदर लिखे गए हैं कि मार्च करते वक्त किस मौके पर कौन सा तराना गाया जाना चाहिए आजकल एस्ट्रानोमी का बहुत तस्करा है जामियात की सतह पर एस्ट्रानोमी को मतारुफ करवाया जा रहा है तो दखनी जबान में एस्ट्रानोमी पर बहुत सारे रिसाले मिलते हैं इम रमल इम जफ़र फालना वगैरह पर बहुत सारी किताबें हैं मैं इसको छोड़ता हूँ अब हम आखिर में पहुँचते हैं दारु तर्जुमा तरजुम उमरा की तरफ आ, दार ये उमरा ने हैदराबाद में एक दारु तर्जुमा क़ायम किया था इस दारु तर्जुमा के तहत साइंसी मौजुआ पर बहुत सारी किताबें लिखी गई और ये सब दखनी ज़बान में हैं इसमें मंतबुल बसर के नाम से एक किताब चंद किताबों का नाम बता रहा हूँ ये ऑप्टिक्स के मौजू पर रिसाला है आ, इसके मुनफ़ रतन लाल हैं इम दूर नमा अनजार से मुतक़ ये किताब है शमसिया किताब लिखी गई इल्म तबिया के छः शोबों पर मुश्तमिल किताब है इम जर्र शनि करेंस क्रेंस के मौजू पर इम हयात हायत इम आब इम हो मनाजिर इम बर्ख़ और मखनातीस इसी तरह अनुार बदरिया शरह चगमिनी और इल्म रियाजी इम मखादिर और तस्कर रशीदिया उखलीदस के मसाइल पर कसूर आशारिया कसूरत उशर, जजरो मुरबा वग़ैरह के मौजूद पर रिसाल कीमिया जमादात और फिलजात के बयान में और शमसुल हयात हयात के बयान में तो बहुत सारी किताबें हैं वक्त गुंजाइश वक्त में इतनी नहीं है कि मैं तफ़ीत बयान कर सकूँ बहरहाल ये है कि दक्षिनी ज़बान में ूम इस्लामियात और दीगर दुनियावीम परसरी पर बहुत कुछ मवाद हमको मिलता है इस पर तफसील से काम नहीं हुआ है जुजवी काम हुआ है और ज़्यादातर तवज्जो अदबियात की तरफ मरकूज रही है यह जो आ, साइंसी और समाजी इलूम से मुतल जो मवाद दखनी जबान में, में महफूज है उन पर ख़ातिर ख़वा का महाख तवज्जो भी नहीं की गई है आखिर में मैं एक रिसाले का जिक्र करना चाहूँगा जो हैदराबाद से जारी हुआ था अठारह सौ पचपन ईस्वी में इस रिसाले का नाम था रिसाले तिबावत ये पूरे हिंदुस्तान में रिसाले तिप के मौजू पर जारी होने वाला पहला रिसाला है तिप के मौजू पर पूरे हिंदुस्तान में इससे पहले कोई रिसाला नहीं निकला था अब ये देखिए कि अब ये जो दखनी जबान है ये दकनी जबान जाहिर बात है कि 1855 के आते आते वो की दखनी की जो खुशियात थी वो तो खत्म हो चुकी थी मॉडर्न दखनी आ गई थी और आज भी हैदराबाद में या हैदराबाद के आसपास में या दक्कन के दूर दराज इलाकों में जो दखनी बोली जाती है वो मॉडर्न दखनी है क्लासिकल दखनी नहीं है इस दखनी पर उस दखनी का अख्यास मत कीजिए जो बहमनी खुतुब और आदिलशाही दौर में थी वो दखनी का मिजाज और मैार अलग था आज की दखनी बहुत ज़्यादा जदीद है ये तकरीबन अस्सी फीसद अपनी खसूसियात खो चुकी है सिर्फ बीस फीसद खसूसियात दखनी की बाकी हैं अलबत् लहजा कुछ कुछ दखनीत लिए हुए हैं अभी भी तो अठारह सौ पचपन की दखनी हैदराबादी उर्दू देखिए जिसमें तिप के मौजू पर एक मजमून इस रिसाले में लिखा गया उसका इख्तिबास मैं आपके सामने पेश करता हूं ये आखिरी है तालुका उमर खेड़ में तबीब पीर खान साहब के कसब का बयान उनकी रिपोर्ट है कसब का बयान मतलब उन्होंने जो इलाज किया जो तजुर्बा हासिल किया वो साकििम साहब ने उसकी रिपोर्ट एक लड़का चौदह साल की उम्र का खेड़ के दवाखाने में आया नाम उसका रहमान खान मुसलमान जात का उसको अल्नारीडी की शिकायत हुई थी शिकस्त हुई थी और खमे कोनी तक कोहनी नहीं कोनी खमे कोहनी तक सड़ावट पहुंची थी गल गया सड़ गया था तबीब दरियाफ्त सो वक्त किए सो वक्त सड़ावट का निशान खत सरहदी खमे कोनी के थोड़ा ऊपर था उस बीमार के खीश वब और, और पिदर की खुशी के बावजूद जर्राही हथियार होने के एक तेज़ नोकदार छुरी से यूमरल आर्टरी का खून बाउट से मौकूफ़ कर लेन ऑफ डिमार्केशन के ऊपर से इस बीमार का हत्ता यानी हाथ खलम किए खलम किया नहीं खलम किए और यूमरल आर्टरी और एक शाख और दूसरी शाखों से जो मोटी थी सो उसे भी रिश्ते से अलग अलग बांधकर टांग के अच्छी तरह से दिए बाद अज डी जेफ प्लास्टर की पट्टियाँ सी वन के दरम्या में देकर ऊपर से बैंडेज बांधा है और वो बीमार ख़लम किए सो एक महीने के अरसे में सेहत कुल्ली हासिल कर कर अपने मकान को रुखसत हुआ तो ये इस तरह अठारह ईस्वी तक भी दखनी जबान में काफ़ी तब्दीली तो आई है लेकिन दकनियत बाकी है और इसके अंदर ूम पर भी काम हो रहा है ये मेडिकल साइंस तिब का रिसाला है और मेडिकल साइंस से ताल्लुक़ रखता है तो इस तरह हम देखते हैं कि इब्तदा जहाँ पर तस्व से हुई थी उसके बाद कुरान मजीद तफसर फ़िख हदीस तजवी तारीख़ सवान वगैरह से होते हुए इल्म इंसानात मालिज़ात तब हवाना और वगैरह वगैरह से फिर आज के दौर की साइंस तक ये सारा सरमाया दनी ज़बान में महफूज है तो यहाँ पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका दिया गया अपनी बात रखने का। चमन को अपनी बहारों पे नाज था चमन को अपनी बहारों पे नाज था वो आ गए तो सारी गुलिस्तान पे छा गए कि मिजदाक प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरी साहब का बहुत ही जामे दिलकश पुरमक और मालूम अफजा खिताब हम लोग समात फरमा रहे थे और जित जिस तरीके से आपने यहाँ पर अपना खिताब बयान किया ये हमारी न सिर्फ बाई से मसरत है बल्कि अब बाई से फख्र भी है इसके लिए मैं सदर शुब इसम शरीश को बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ और साथ ही आपका अंदाज बयाँ बहुत मरतब तरीके से और बहुत ही सलीके के साथ दिलकश अंदाज में आप आपकी बातें हमारे सामने रख रहे थे मालूम इतनी ज़्यादा थी कि एक मालूम का बहरे बेकर था जो बहता चला जा रहा था इस कदर शेरी था उसका अंदाज बयाँ इस कदर शेरी था उसका अंदाज बयाँ मुद्दत वानों में मेरे नगमगी लिपटी रही बहुत शुक्रिया सर हम आपके ममनून मशकूर हैं कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाला और यहाँ पर आपने खिताब पेश किया अब प्रोग्राम के आ, अगले मरहले की तरफ हम बढ़ते हैं और अख्तामी कलिमात पेश करने के लिए मैं सदर शोब इस्लामिक स्टडीज़ प्रोफेसर मोहम्मद सईम अख्तर नदवी साहब से गुजारिश करती हूँ अच्छा आ, सवाल सर से इस मौजु पर सवाल हैं एक सवाल खुद सदर शुभ इस्लामिक स्टडीज़ की तरफ से जी सर दक्नी उर्दू में जो जिन कामों का तस्करा अभी हुआ ख़ासतौर से इस्लामी की किताबों के हवाले से मुख्तफ मौजूद का अपने ज़िक्र किया तो उसमें ये बात जानना भी ज़रा मुफ़ी महसूस होता है कि जिन किताबों के ज़िक्र आ रहे हैं क्या वो किताबें अवेलेबल हैं दक्षनी ज़बान में या सिर्फ उनका ज़िक्र आ रहा है तारीख़ की किताबों में और दूसरा ये भी कि उन किताबों पर कुछ काम हुआ है क्या उन किताबों की एशात फिर बाद में अमल में आई है मुसनफ़ के लिखने के बाद या सिर्फ मकतूत की शक्ल में अभी, अभी अवेलेबल है वो और तीसरा इसी से जुड़ा हुआ कि इतना बड़ा काम का जिक्र जो आपने किया और आपने आखिर में इस तसर का इजहार भी फरमाया कि इस पर काम की ज़रूरत है तफसी से काम नहीं हुआ है तो इसकी वजह भी आपके जहन में क्या है कि जहाँ पर दकन में मुस्लिम हुकूमतें रही हैं और काम होते रहे हैं इलमी दुनिया से वाबस्ता लोग रहे हैं तो मजहबी ओलूम के हवाले से चूँकि मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से लोग होते हैं मुख्तलिफ़ मौज़ा पर काम करने वाले थे उनके ख़ुद अपने तलामज़ा का सिलसिला है वैसे इदारे यहाँ मौजूद हैं जहाँ काम होते हैं हम दकन की बात करें तो ख़ुद यहाँ तहकीकी इदारे कई क़ायम हुए हैं दयातलमारफ़ और उस्मानिया के अलावा अियाारफ़ नौमानिया था जाम निज़ामिया के अंदर मजलिस इलमी थी जो पुरानी किताबों को तलाश करके करते जमा करते थे शाइ करते थे तो क्या इन इदारों या इसके अलावा भी जो इदारे हों उनकी तवज्जो इधर नहीं गई क्या कि इन कामों के बारे में कुछ तारीखी किताबें लिखी जाएँ कुछ तारुफ सामने लाया जाए या अगर कुछ लिखा गया है तो वह भी हम जानना चाहेंगे कि जहाँ से हमारे हमको हमारे तलबा को और शौक़ रखने वाले लोगों को इन मौजूद पर चीज़ों को जानने का मौका मिल सके बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मोहम्मद फ़हीम अख्तर नदवी साहब आपने बहुत अहम नुक्ते की तरफ तोजो मरको करवाई है आ, मैंने जिन किताबों का ज़िक्र किया है अपने खुदबे में उनमें आ, मेरी नज़र से सिर्फ एक ही किताब मदवा गुजरी है कुरान मजीद तब तफसरों में चिराग अबदी अभी कुछ दिनों पहले ये शायद हुई है चिराग अबदी अब जहाँ तक अदबी सरमाए का सवाल है उसमें से बिशतर मसनवियों को एडिट किया गया है और शाइब भी है जैसे इर्शाद नामा शाहब्रामीन जानम की मसनवी है या मिराजी शमसाख की जो मसनवियाँ हैं शहादत अत शहादत वगैरह इसमें दो बातें रही रख सब असल में एक तो ये कि दखनी जबान में जो इलमी और अदबी सरमाया है उसकी तरफ अव्लिन तवज्जो हुई हमारी जामियात में यूनिवर्सिटी में और जामियात के शोब उर्दू में तो शोब उर्दू के इस ने पहली मरतबा इस मैदान में ख़दम रखा तो उनका मरकज नज़र वही किताबें थी जिनका ताल्लुक अदब से है और दीगर ओलूम की तरफ उनकी तवज्ह नहीं हुई अगरचे कि उन्होंने कोशिश की कि जितना सरमाया दखनी जबान में मौजूद है खा वो अदब से तालक़ रखता हो या दीगर ओलूम से उसको इकट्ठा तो कर लिया जाए लेकिन उसकी एडिटिंग और उसकी प्रिंटिंग और शायद पब्लिशिंग का जो जहाँ तक सवाल है उन्होंने सिर्फ अदबी मसनविया या अदबी रसायल की तदवीन की और उनको शायद करवाया और दीगर ओलू की तरफ तोज्जो नहीं हुई यही वजह है कि अदबियात से हटकर मुख्तल ूम व फ़नून की जो दीगर किताबें हैं जो मख्तात की शक्ल में हैं इसमें से कोई भी ऐसी किताब नहीं है जो मौजूद ना हो सारे के सारे मौजूद हैं जिनका मैंने जिक्र किया है और मखतूात की शक्ल में है और हैदराबाद में कुतुब खाना सालार जंग म्यूजियम कुतुब खान आसफिया जिसका मौजूदा नाम है औरटल मैनस्क्रिप्ट लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर ये उस्मान सिटी में आर्ट्स कॉलेज के पीछे वाक़ है और इदारे अदबियात उर्दू ये तीन जो है अहम ख़ज़ा है हैं मखात के जहाँ पर दखनी केदीम मकतूात दखनी के अलावा अरबी और फारसी के मखात भी महफूज हैं जो हज़ारों की तादाद में है अब दीगर जो हमारे इलमी और दीनी इदारे हैं जिनका जिक्र डॉक्टर साहब ने किया कि दायरतुलमआारिफ़ है या जाम निज़ामिया है और या दीगर इदारे हैं तो असल में यह हुआ कि ये इदारे क़ायम हुए हैं बीस सदी के अवाइल में उन्नीसवीं सदी के अखता में तो अब यह इदारे के जो जिम्मेदार थे या जो उस थे या जो तलबा थे वो दक्षणी जबान से मानूस नहीं थे वाकिफ़ नहीं थे तो दनी ज़बान उनके लिए नामानुस थी ग़रीब थी अजनबी थी वो दक्षिणी जबान में लिखे गए इन रसायल को पढ़ने और उसको समझने से खासिर थे ये बुनियादी वजह है जिसकी वजह से हमारे हमारेमा या दीनी दर्जगाहों के केमाने या रिसर्च स्कॉलर्स ने इन रसायल की तरफ तोजो नहीं की और दक्षनी जबान में ये जो ूम फ़ुनून का ज़ख़ीरा मौजूद है वो अभी तक अनटच्ड है किसी ने उसको टच नहीं किया है दूसरी वजह है अलबत् है वाक है कि इनमें से कोई रिसाल ऐसा नहीं है जिसका मखतुता मौजूद ना हो सारे के सारे मौजूद हैं। या तो कुतुब सालार जंग में है या आसफिया में है या यादबिया तो में ये वजूहत है बहुत शुक्रिया सर जजाकल्ला अब मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ सदर शोबे इस्लामिक स्टडीज प्रोफेसर मोहम्मद अख्तर नदवी साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो इख्त कलम यहाँ पर पेश करें प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीद साहब मोहतरमाजीशान सारा साहेबा, डॉक्टर आतिफ़ इमरान साहब और हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े हुए तमाम शुरा और साम ये हमारे शोबा इस्लामिक स्टडीज, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के लिए इंतहाई मकाम शुक्र और मौका एज़ाज़ है कि आज एक अहम तरीन मौजू पर और किसी हद तक नायाब बल्कि गुमनाम मौजुअ पर एक कीमती खिताब हमें सुनने का मौक़ा मिला मैं इस मौके पर अपनी इस मसरत का इज़हार भी करना चाहूँगा कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस आईएमसी ने इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर यहाँ का ये इस इदारे या इसके ज़िम्मेदारान और अमले ने हमारे लिए इंतज़ाम बहम पहुँचाया है कि ऐसे कीमती खिताबात और मालूम के नवादीर को इन्होंने महफूज बना दिया जिससे मैं अगर कहूँ तो बेजा न होगा कि नस्लें इस्तेफादा करती रहेंगी वरना हमारे लिए ये बात बहुत मुश्किल होती थी कि जो अहम तरीन खिताब हमारे फ़जला और माहरी पेश करते हैं उन्हें हो बू मकम्मल तौर पर हम महफूज़ कर सकें इसलिए मैं इस आई एम सी को इसके ज़िम्मेदारान और मंतज़म को दिल की गहराइयों से इस इसमी काम में इतनी बेहतरीन मावनत पर मुबारकबाद पेश करता हूँ शुक्रिया अदा करता हूँ आज का ये प्रोग्राम जैसा कि शुरू में ज़िक्र किया गया हमारे शोबे की जानब से इस्लामी मतालात फोरम के तहत मनद होते रहने वाले इलमी प्रोग्रामों का एक हिस्सा है और हमारे लिए इतमान की बात यह है कि मौजूदा दौर में जबकि काफ़ी हद तक सरगर्मियाँ सी गई थी और मुलाकात और नश्तों का इम्कान घट सा गया था इसमें भी हमारे शोबे ने अपने तौर पर ये कोशिश जारी रखी कि प्रोग्राम मनद होते रहें और इस दौर में भी हमने कई प्रोग्राम किए शुरू में मोहतरमाशान सारा साहबा ने इस्लामी मतालात फोरम के तारफ़ में जो बात बताई कि अब तक, तक, तक तकरीबन 150 प्रोग्राम इस्लामी मतालात फोरम के तहत मनक़द हुए हैं दो हज़ार पंद्रह से अब तक इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि अल्लाह रब्लम का यह करम रहा शोबे के साथ कि ऐसे इलमी प्रोग्राम जो गर्चे पहले के प्रोग्राम रिकॉर्ड नहीं हो पाए लेकिन तलबा की हमदीय तरक्की के लिए उनके जहनी अफूक की वसअत के लिए उनकी मालूम में गहराई के लिए उनकी सोच और फिक्र के अंदर तनवो पैदा करने के लिए शोबे ने अपने तौर पर काम किया और उसके नतज हमारे सामने आते रहे मैं शुक्रगुजार हूँ मोहरमा जीशान सारा साहबा का कि इस मतालात फोरम के तहत शुरू से वो प्रोग्राम्स को देख रही हैं और वक्तन फवता माहरीन को ज़हमती खिताब देकर अच्छे प्रोग्राम मनक़द करके शुबे के सरमाए में इजाफ़ा कर रही हैं हमारे डॉक्टर आतिफ इमरान साहब ने कुरान करीम की जिन आयात के शुरू में तवत की सूर्य के हफ में अल्लाबालमीन ने उन आयत में जो पढ़ी गईं इस जानब इशारा फरमाया है कि तहक़ीक व जस्तजू का काम दुनिया में जारी रहेगा और ज़रूरी नहीं कि एक महक् जिन नतज तक पहुँचता है वो हतमी और फैसला कन नतज हों भ इसमें 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 इस, इस बात का भी इशारा है कि खुद वो महक् भी और दूसरे महक्कीन भी उन नतज से आगे भी नतज तक पहुँचने के लिए अपने सफ़र को जारी रखें अपनी जस्तजु को बरकरार रखें और नए नए नतज से दुनिया को आशना और रोशनास कराते रहें अल्लाह रब्बुल रबालमी ने आखिर में फ़रमाया था उसमें कि लोग तो अलग अलग तादाद बयान करेंगे अपने अंदाजे से लेकिन ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए रब्बी रबी आलमतम इस्लामी उलूम में ये जुमला बार बार इस्तेमाल होता है कि वल्लाहु व्हालम बसव हमने जो तहकीक़ की तलाश की जस्तु की वो हमारी कोशिश का नतीजा है हकीक़त हाल का इल्म अल्लाह आलमीन को है इससे हमारे सामने तहकीक का रास्ता बंद नहीं होता और ये बात हमारे जहनों में नहीं आती कि अब इसके आगे हम क्या करें काम तो पूरा हो चुका बल्कि एक मज़ीद शौक़ पैदा होता है एक तहरीक पैदा होती है कि इस काम को हम जारी रखें मैं शुक्रगुजार हूँ अपने दोस्त साथी डॉक्टर आतिफ़ इमरान साहब का कि इस मौक़े की मुनासबत से आयात का इंतखब किया उन्होंने और उनकी तिलावत से हमें मुस्तफ़ी फरमाया प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीद साहब इस वक्त दुनिया में दकनियात के एक माहिर के तौर पर मरूफ है और हमारी नस्लें इनशा आइंदा इस बात को फख्रिया बयान करेंगी कि शोब इस्लामिक स्टडीज़ के तहत अपने वक्त की एक माहिर दकनियात शख्सियत ने अपने खिताब से शोबे को शोबे के तलबा और को मुस्तफ़ी फरमाया और आपका खिताब खुद इस बात का मुंह बोलता सबूत था कि दखनी ज़बान में होने वाले कामों पर आपकी कैसी गहरी निगाह है और तलाश और तहकीक का सफ़र किस तरह आप जारी रखते हैं हम आपके ख़ास तौर पर इसलिए भी शुक्रगुजार हैं कि अगरचे आपका मौजू उर्दू ज़बान व अदब है और दखनियात में आप अपना एक मकाम और एक शनाख्त रखते हैं लेकिन आपने हमारे शोबे के तहत इस प्रोग्राम में खसूसियत के साथ इस्लामी आलूम और मज़बीम में या इस्लामी मौजूद पर जो काम हुए हैं उनके बारे में मालूम आपने इकट्ठा की, जमा की और हमारे सामने पेश किया शुरू में आपने हमें दखनी ज़बान की पूरी तारीख बयान की और बहुत सहल अंदाज से एक ख़ुलासे के तौर पर रखा कि किस तरह इस ज़बान का आगाज़ हुआ दकन में कैसे ये ज़बान दाखिल हुई और फिर शुमाल से किस तरह इसका रिश्ता टूटा और इस अपने दायरे के अंदर ये ज़बान महसूर रह कर वहीं फलती फूलती रही और वहीं अपने नतजी दुनिया में पेश करती रही दखनी अदब के तल्ल से आपने इस्लामी आलू में और इस्लामी मौजुआत में सूफियना मसनवियों का तस्करा किया फिर मेरी हैरत की बात यह थी कि फ़िक के, के मौजुआत पर भी जो किताबें मंजूम या नसर में लिखी गई हैं उनका आपने तस्करा किया मैंने सवाल अखीर में इसीलिए रखा था कि यहाँ पर जो काम जिन इदारों में हो रहे हैं उनमें फ़िख़ के मौजुआत पर या तफसीर के मौजुआत पर जो काम है कदीम काम है, उनको सामने सिर्फ़ ज़बान व अदब की हैसियत से नहीं बल्कि मालूम के अतबार से भी अपने मवाद और मुशतमल के अतबार से भी उस दौर में क्या सोचा गया था किस तरह की तफसीरें की गई थी या फ़िक की किताबें अगर हैं तो क्या सवालात समाज में उठ रहे थे और उस दौर के लोगों ने उनके क्या जवाब दिए थे उनको भी देखा जाता है और उस गरज से उन किताबों की एडिटिंग और तहकीक करके सामने सामने लाने की कोशिश की जाती है तो आपने फ़िक की किताबों का भी तस्करा किया उनके अलावा जो दिगर मौजुआत हैं सीरत के और सवाने के और कशसलम्बिया के उन पर जो काम दखनी जबान में हुए थे उनका तस्करा किया फन तफसर फन हदीस और तजवीज़ के फ़न पर जो काम हुए हैं उनका भी आपने तस्करा किया और दिगर मौजूद का भी आपने तस्करा किया तिब के तल्ल से आपने बताया कि इलाज बिल गज़ा जिसकी आज बड़ी बहुत ज़्यादा अहमियत हो रही है उस जमाने में भी उस ज़माने में भी इसके बारे में सोचा गया और किताब लिखी गई मैं यहाँ इस बात का तस्करा करना मुनासिब समझूँगा कि इस ज़माने से भी बहुत पहले अब्बासी दौर में जब बैतुलत के ज़रिए किताबें लिखी जा रही थी और उसके बाद में जिन मुस्लिम मुसनफिन ने साइंसदानों ने किताबें लिखी उनमें जो माहिर माहरीन नबाता थे या नबातियात थे उन्होंने बाब्ता इलाज बिल ग़ा और इलाज बिल अज़िया के नाम से किताबें लिखीं और तफसील से नबातात गाओं और खाने की जो अकसाम हैं उनके जरिए किस तरह इलाज हों इन पर काम किया न सिर्फ तस्नीफ़ी एतबार से बल्कि उस ज़माने के अस्पतालों में उन्होंने इसका शोबा क़ायम किया इसके तजुर्बात किए और उन तजुर्बात को क़लम किया मुस्लिम माहरीन ने तिब ने तकरीब मत माहरीन तिब की तसनीफ़ात में वो किताबें मिलती हैं जिनका नाम ही है इलाज बिलअज़िया यागज़िया वदविया इस तरह के नाम आते हैं यह बरसबील तस्करा एक बात थी कि ये काम जिसमें साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं और जिसमान जिसम का इलाज कहा जाए कि फितरी एतबार से होता है और होना चाहिए मुफीद है और अल्लाह ने गज़ा के अंदर इलाज रखा है उन पर काम हुआ करते थे अब वो काम दूसरे अंदाज से हो रहा है मैं शुक्र गुज़ार हूँ आपका ख़ास तौर पर कि आपने इन किताबों का तस्करा करके हमारे सामने एक रास्ता खोला है ये बताने के लिए कि हम इस पर किस तरह सोचें और आइंदा काम का प्लान करें मुझे इस मौके पर एक दो बातें महसूस होती हैं मैं वो अपने उन ख्याल को शेयर करना चाहूँगा पहली बात तो ये कि जैसा कि मेरे सवाल के जवाब में आप तस्करा फरमा रहे थे कि दकनी जबान को इस तौर पर देखा गया कि ज़बान के अतबार से क्या काम करने की ज़रूरत है और ज़बान के पहलु को पेश नज़र रखा गया तो जो इस्लामी मौजूद की किताबें थीं उनमें से भी बास किताबों की एडिटिंग हुई लेकिन ज़्यादा काम उन पर नहीं हो पाया ये इस्लामिक स्टडीज़ के, के फ़जला के लिए और इस्कालस के लिए गौर करने का मौका है कि इस्लामी आलूम पर जो काम हुए हैं कहीं ऐसा तो न हो जाए कि दकनी जबान का लफ्स हमारे इन कामों को छुपा ले जाए और हम इन कामों से की आशनाई से या उन कामों की खूबियों को सामने लाने से महरूम हो जाएं दखनी जबान जैसा कि आप अभी सुन रहे थे उर्दू ही की कदीम शक्ल है उसको समझना और उसको पढ़ना आसान है और उसमें होने वाले कामों का तजिया करना और उससे दुनिया को रोशनास कराना बहुत ही काबिल अमल है तो इस्लामिक स्टडीज़ के, के मौजूद से ताल्लुक रखने वाले फज़ला और माहरीन और ख़ास तौर से हमारे नौजवान इस्कालर्स जिनको तहकीक़ का काम करना है और कर रहे हैं और बिलखसूस वो जो दक्कन में रहते हैं वो इन मौजुआत को अपनी तहकीक़ का मौजू बना सकते हैं दो तरह के काम हो सकते हैं एक तो इन किताबों के एडिटिंग का काम है कि एक किताब ले लें ले दो किताब ले लें छोटे रसाय हैं तो चंद मख्तात ले लें एक मौजू के और उनकी तहकीक़ करके उन तहकीक के जो असूल हैं उनको बरतते हुए एडिट करके उन किताबों की अशात का काम करें दूसरे कि इन कामों की पूरी बेबलोग्राफ़ी तैयार की जाए और इन पर जो वो जो किताब तैयार होती है जिसमें किताबों का तारुफ होता है बयान वसफ़ी होता है उस अंदाज़ की तारुफी किताबें या तारीखी किताबें वो तहकीक का मौजू बने और उस पर भी काम करें तो ये इस्लामिक स्टडीज़ के शोबों के लिए वहाँ के फजला के लिए काम का एक मैदान है जिस पर तवज्जो होनी चाहिए दूसरा तासुर जहन में यह आता है कि ये किताबें जैसा कि आपने बताया अभी मखतूतात के शक्ल में यहाँ मौजूद है अल्लाह का करम है लेकिन मखतूतात की जिंदगी कब तक रहती है कहना बहुत मुश्किल होता है हमने इस बात पर तो इत्मीनान की सांस इत्मीनान का की सांस ली कि वो किताबें आज मौजूद हैं अगर उन किताबों को तबाद के मरले से गुजारा जाए उन किताबों को पर काम करने के लिए प्रोजेक्ट्स बनाए जाएं, खुद हमारी हुकूमतें इनमें हिस्सा लेती हैं कि हमारा जो सरमाया इस तरह का है उनको महफूज किया जाए अगर वो किताबें दकनी ज़बान में ऐसी ज़बान में हैं जिनको जिनसे इस्ता करना मुश्किल हो तो ज़बान की तस्ल का काम किया जाए इस अंदाज़ के कई प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं वो प्रोजेक्ट्स अगर लिए जाएँ और ऐसे इदारे आगे आएँ जो खुद दकन के अंदर में हमारे तेलंगाना गवर्नमेंट के तहत जो इदारे हैं वो वो आगे बढ़ें और तावन पेश करें तो हमारे शोबे इस्लामी की स्टडीज़ के भी हो सकते हैं उर्दू ज़बान अदब के भी शोबे हो सकते हैं या तहकीक के काम करने वाले इदारे हो सकते हैं वह ऐसे प्रोजेक्ट्स को एडॉप्ट अगर करते हैं तो ये काम महफूज़ होकर के लोगों के हाथों में आएंगे और इनसे इस्तेफ़ादा होगा मैं अपने इन्हीं दो तसरा के साथ एक बार फिर आपका बेहद शुक्र शुक्रिया अदा करता हूँ कि क़ीमती तहरीर कीमती गुफ्तु हमारे सामने आई कीमती मालूम हमारे सामने आई और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे फ़जला तलबा इस्कालस और इस्लामी आलूम से दिलचस्पी रखने वाले इल्म जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं सुन रहे हैं और जो आइंदा भी इस प्रोग्राम को सुनेंगे और देखेंगे इन वाली मालूम से वो अपने जेब दामन को आरस्ता करेंगे इसमें ज़ाहिर होने वाले अहसास जो मज़ीद कामों की तरफ महमेज़ करते हैं उनके बारे में सोचेंगे काम का आइंदा मनसूबा बनाएंगे और कदम बढ़कर जजाक सर बहुत ही शुक्रिया आपने बहुत अपने कीमती कलमात से हमें नवाजा बल्कि ये आप ही के जहन की देन है आप ही की कोशिशें हैं कि इस्लामिक स्टडीज़ में इस तरह के मुनफरद मौजुआत पर कीमती खिताबत का सिलसिला चलता रहता है एक शेर आपकी नज़र करना चाहूँगी निगाह बुलंद सुखन सुखंदवाजोज यही है रखते सफ़र मेरे कारवा के लिए प्रोग्राम अपने अख्तामी मरहल पर पहुंच चुका है हम तमाम के दिल जज्बा तशक् से भरे हुए हैं तशक् इजहार तशक् एक पार्ट होता है प्रोग्राम का लेकिन ये सिर्फ एक रसम नहीं है हम दिल से उन तमाम के मशकूर और ममनून हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में कंट्रीब्यूट किया है बाकायदा इजहार तशक् के लिए मैं शोबे के उस्ताद डॉक्टर आतिफ़ इमरान साहब से गुजारिश करती हूँ कि वह तशरीफ लाएक तमाम तारीफ अल्लाह की है जिसने हमें ये मौक़ा फराहम किया कि हम एक इल्मी बज़ मन कर सकें और मैं इस बज़ में दिल की अमीर गहराइयों से अपने मेहमान मक़र जनाब प्रोफ़ेसर नसीमुद्दीन फरीद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी तमाम तर मसरूफिया से वक्त निकाल कर एक बेहतरीन इलमी वादबी लेक्चर दनीनी उर्दू में इलमी सरमाया के वनवान से पेश किया जिसकी वजह से हमारी मालूम में भी बेच बहा बेश बहा इजाफा हुआ और हम आपके बहुत ही ममनून मशकूर हैं उसके बाद मैं सदर शोबा इस्लामिक स्टडीज़ जनाब प्रोफेसर फ़ैीम मख्त नदवी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनके अहम जहत फ़िक्र के नतीजे में एक अहम उनवान पर इस तवसी खुतबे का इनका अमल में आया उसके बाद में आई एम सी डायरेक्ट आई एम सी के डायरेक्टर जनाब रिजवान अहमद साहब और उनकी पूरी टीम जिनमें शकील अहमद आमिर बद्र, उबैद रैहान शेख रहीमुद्दीन मोहम्मद गयासुद्दीन सैयद सलाहुद्दीन, शेख मंजूर और सतीश कुमार गुप्ता शामिल हैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी कोशिशों और काविशों के नतीजे में ये प्रोग्राम यूट्यूब फेसबुक और Twitter पर लाइव ऑनलाइन सभी तक नशर हो सका हमारे लिए बास इफ्तार बात है कि आई एम सी जैसा अदारा हमारे पास मौजूद है जिसके जरिए से इस वबाई दौर में भी इलमी खदम और लेक्चर्स के इक़ाद का अमल जारी रहा मैं आप सभी का तहदिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं आखिर में उस्ताद शोबा मोहतरमा अजीशान सारा असटेंट प्रोफेसर शोबा इस्लामिक स्टडीज़ और कोआर्डीटर इस्लामी मुताल फोरम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिनके सरबराही में इस फोरम के तहत मुख्तफ़ लेक्चर्स का इनका अमल में आता रहा है जिसकी एक कड़ी अभी आपके सामने नष्ट हुई एक बार फिर मैं आप तमाम का शुक्रिया कि यह प्रोग्राम अपनी संजीदगी और मतान के साथ अपने अंजाम तक पहुंचा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जजाक शुक्रिया आतिफ़ साहब आपका और साथ ही हम इस यूनिवर्सिटी के शेखुल जामिया प्रोफेसर सैयद एन हसन साहब के भी ममनून और मशकूर हैं कि उन्हीं के निगरानी ये सारे प्रोग्राम्स मुनद किए जा रहे हैं इसी के साथ इस प्रोग्राम के अख्ताम का ऐलान होता है अल्लाम